आपको कुछ याद नहीं है, आप लोगों के हंसाने के लिए कुछ चुटकुला बोल दे रहा हूँ, उतने में आप लोग सुन सुन के हमारा बहुत पुराना मित्र है, आप लोग जानते हैं। क्रिकेट का आप लोग जानते हैं क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना मित्र है। मैं एक बार पंजाब गया था, अभी जल्दी गया था, जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरा कुछ लड़कियां हमको देखी, बोली अम्मा ये तो आसाराम बापू छूट गए क्या। हमारा बाप बड़ा 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 था, इसीलिए वो बोली सामने बड़ा कि नहीं बिटिया हम आसाराम बापू नहीं है। बोली आप कौन है, बोले कि नहीं हम आसाराम बापू नहीं है। हमारा तो रविलेश बोले पूरा भाई अपना बाल कटा लो तुम, बम्बई भला बुरा सोचा कि तुम्हारे चक्कर में हमको नोच डालेंगे। मैं तुरंत गया सैलून में बैठा अपना बाल कटवाया, तो बोला कि इतने बड़े बाल का 70,000 लगेगा। तब तक एक चीन का बैठा था, बोला कितना बड़ा बाल हमारे यहाँ 1.5 लाख का काटता है। पाकिस्तान का बैठा था, बोला कि हमारा कितना बड़ा बाल हमारे यहाँ 2 लाख का काटता है। हमने बोला कि तुम लोग इसीलिए इतना पीछे हो, हमारे हिंदुस्तान में 2,500 दे दे तो गर्दनों में साले उड़ा देते हैं। एक गाना आया था, आँखियों में सपना, सपने में सजना, सजने में किले आ गया, घरे दो में बिजली का भी ले आ गया। रविलेश वीडियो बनाओ तो उसके पति अच्छे है कि सतवा आठवा प्यार है, जिया बेकरार है, जल्दी घरे आ जाए, रविलेश और तैयार है। एक गाना आया था साजन मेरा उस पार है, मैंने बोला कि मैं जानता हूँ कि उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है इसीलिए उस पार है। एक गाना आया था जिंदगी की ना टूटे घड़ी, भले लूट जाए साइकिल घड़ी। राजा राम इज्जत लूटे रोज किसमिस बादाम, इनकर सारी दुनिया में नाम, नाम हुआ कैसे बदनाम, कि 70 साल की उम्र में देखा चेहरा जैसे पंगा याम। क्योंकि आश्रम बीच में कन्या संग्रह खाते आइसक्रीम हर जेल में चले गए बाबा राम रही। ठीक है।